एडमिशन के 4 महीने बाद में जयपुर से सीकर छोड़ने आ रहे थे, बाई रोड ही आ रहे थे, तो पीसीपी के होर्डिंग्स हमारे रोड के ऊपर जगह जगह लगे हुए थे। तो ये पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे, हम लोग आगे बैठे हुए थे। तो ये अपने सिस्टर को बोलता है, देखना एक दिन मेरा भी इसी तरह ऐसे ही लगा रहे हो। तो ये पीसीपी का पोस्टर बॉय बन चुका है, निश्चित रूप से सक्सेसफुल हो चुका है। फोन कम करता था आपको यहाँ से? 4 दिन में 1 बार। चार दिन में एक बार, वो भी 1 मिनट, बस मिनट देख के, 1 मिनट बात करनी है बस इतनी। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अपने टीचर की सुनना है। जो टीचर बोलता है अगर तुम वो लाइन टू लाइन फॉलो कर लेते हो ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मतलब AIR1 भी फिर कोई बड़ी बात नहीं लगे। हेल्थ का तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, मैंने फेस किया है हेल्थ का। तो मैं बीच में 2 बार बीमार हो गया था, 10-10 दिन खराब हो गए थे। चमक अभी दिखने लगी आप में, पहले चमक नहीं रहती थी, सिलेक्शन के बाद चमक आ गई है। अभी तो मम्मी ने खिलाया बहुत। आजकल पट्टी वट्टी एकदम ड्रेसिंग लग रहे हो आज तो। बच्चे को यदि सफलता दिलानी है तो थोड़ा सा डिटैच करना पड़ेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया, यही एवं नीट की सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है। और मैं डॉक्टर पीयूष सुंडा, पीसीपी प्रिंस सीकर से, और आज हमारे साथ एक विशेष चैंपियन अपने मम्मी पापा के साथ बैठा है, ऋषिराज सिंह शेखावत, जिसने जेई एडवांस 2023 में 1091 ऑल इंडिया रैंक हासिल की है ओवरऑल। और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें ऋषिराज की हैं जो इसको एक चैंपियन साबित करती हैं। ऋषिराज के साथ इनके पापा जी रिंकू सिंह जी शेखावत हैं, जो इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं और वर्तमान में SBI में सीनियर एसोसिएट हैं। मम्मी जी सुमन कंवर, आप गृहिणी हैं। और आपको विशेष चीज बताना चाहूंगा कि परिवार जयपुर में पांचे वाला वैशाली वेस्ट में रहता है। मूलतः आप बहादुरपुरा पाउटा जयपुर के रहने वाले हैं, जयपुर शहर में परिवार रहता है। पूरे परिवार का इस शो में, इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ कि बेटा चैंपियन बना है, जेई एडवांस में ऑल इंडिया शानदार रैंक हासिल की है और अब ये कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छी IITs में जाएगा और भविष्य में देश, समाज और संस्था, मम्मी पापा सभी का नाम रोशन करेगा। बधाइयाँ आपको। ऋषिराज के पास आऊँ उससे पहले रिंकू सिंह जी के पास चलता हूँ। रिंकू सिंह जी, परिवार जयपुर शहर में रहता है, पांचे वाला में नज़दीक जयपुर शहर के। और ऋषिराज ने, इंटरेस्टिंग बात है कि जयपुर सिटी से ही कक्षा 10वीं 84%, जिसको ज़्यादा नहीं माना जाता आज के ज़माने में, 84% के साथ उत्तीर्ण की। और उसके बाद 11th 12th फाउंडेशन PCP प्रिंस सीकर में किया, कक्षा 12वीं के साथ JEE एडवांस में 1091 रैंक हासिल की। और उसके साथ सरप्राइजिंग, कक्षा 12वीं में परसेंटेज भी 84 से सीधा जंप लगाते हुए 95.60% हासिल किए। मतलब मिशन सक्सेसफुल रहा। तो रिंकू सिंह जी बताएं, जयपुर शहर में बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं, सीकर की तरफ रुख क्यों कर लिया? बेटे को साथ रखते पढ़ाते क्यों दूर भेज दिया? सर, इसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे परिवार में प्रिंस का बहुत ज्यादा क्रेज है सर। मेरे फादर को ये नाम इतना पसंद है कि ऋषिराज हमारे परिवार का दूसरा बच्चा है जो यहाँ पर एजुकेशन कम्प्लीट सक्सेसफुली करके जा रहा है। इससे पहले इसके कजिन ब्रदर है, उन्होंने भी यहाँ डिफेंस अकेडमी से सक्सेसफुली एयरफोर्स का जो एग्जाम्स है वो क्वालिफाई करके प्रेजेंटली ही इज सर्विंग इन इंडियन एयरफोर्स। तो प्रिंस का जो नाम है वो मेरे फादर है, उनको इतना पसंद था कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा। और जो ही इसका 10th हुआ, मैंने रिजल्ट आने से पहले ही इसका प्रिंस में, उस टाइम तो कोविड का दौर चल रहा था, कोविड का दौर था, लॉकडाउन था, तो मैंने सब कुछ ऑनलाइन ही किया फॉर्मेलिटीज। और मैंने एडमिशन के जो इंस्टीट्यूट है वो एडमिशन के 5 महीने बाद में इसको इंस्टीट्यूट को मेरे को देखने का मौका मिला। तो ये सिर्फ प्रिंस का नाम ही है जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। इंस्टीट्यूशन के नाम पे आपने फेथ किया, परिवार के पुराने बच्चे सेलेक्ट थे उनके आधार पे फेथ किया। मम्मी सुमन कंवर जी की तरफ आते हैं, आज तो बहुत खुश लाग रहे हो, आता ही मन क्यों कि पीयूष जी थे, ऑटोग्राफ लिखवाया आपने, बहुत खुश है मम्मी जी। तो जयपुर शहर में टॉपर ने सागे क्यों बन रखे थे, पहली चीज़ आप बताओ। मम्मी जी तो बहुत दिनों से सर्वे कर रहे थे सर, मेरा तो मैंने तो दूसरा इंस्टीट्यूट ढूंढा ही नहीं, मैं तो प्रिंस में ही जाना है। और हमने आज कितनी खुशी हो रही है, रिजल्ट आया भी दिन का ही माहौल रही हो चेर में, मेरे को बहुत खुशी है सर। सब लोग बहुत खुश थे, सब तरफ से फोन आ रहे थे, तो एक नाम मतलब हमारे पूरे परिवार में, फोटो भी छपी इसकी पूरे राजस्थान में, हरियाणा में, सब लोग ये पूछ रहे हैं कि कहां से निकला, कैसे करा, हमें भी नाम बताओ, हम भी वहां भेजेंगे, इस तरह के फीडबैक आ रहे हैं। और बोला बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बच्चे ने। मैंने इसको यही बोला, नए फोन तो 2-3
दिन से कर दे, कोई जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई कर, यही मोटिवेशन था। फोन कम करता था आपको यहाँ से? चार दिन में एक बार, चार दिन में एक बार, वो भी एक मिनट, बस मिनट देख के, एक मिनट बात करनी है बस इतनी। तो इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है, तो सीधा आते हैं ऋषि राज की तरफ। ऋषि राज ने पीसीपी के हॉस्टल्स में रहकर पढ़ाई की है, दसवीं में 84% ऋषि राज आजकल एवरेज नंबर माने जाते हैं, कोई ज़्यादा नहीं माना जाता। जब IIT JEE की प्रेरणा तो कहाँ से मिली, और जब यहाँ आए थे उस दिन क्या सपना था, प्रैक्टिकल सपना बताएं। सर ऐसे तो मेरे को सही बताऊं तो नाम भी नहीं सुना था मैंने IIT JEE का पहले, जब मैं 10th कर रहा था जी। ऐसे पापा ने करा दिया कहीं, मेरे को लगा कहीं मैं जा रहा हूं बस जी। और मैं वहां चला गया और फिर मैं पता नहीं कैसे इसमें इन्वॉल्व हो गया, मुझे मजा आने लग गया। और हम लोग इसको एडमिशन के 4 महीने बाद में जयपुर से सीकर छोड़ने आ रहे थे, बाई रोड ही आ रहे थे, तो मैं ड्राइव कर रहा था, तो PCP के होर्डिंग्स हमारे रोड के ऊपर जगह जगह लगे हुए थे। तो उस टाइम होर्डिंग्स में एक अमित शर्मा KVPY एग्जाम्स का एक होर्डिंग है, वो सब जगह रोड के ऊपर लगा हुआ था जी। तो ये पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे, हम लोग आगे बैठे हुए थे। तो ये अपने सिस्टर को बोलता है, देखना एक दिन मेरा भी इसी तरह ऐसे ही लगा रहे हो, देखो कॉन्फिडेंस गजब का था। ये उस दिन की बात है, हमने उस बात को एक जो कैजुअली लिया, वो मतलब हो जाता है, हाँ बच्चा जोश में खेह रहा होगा, बोल देता है जी। लेकिन आज तो ये PCP का पोस्टर बॉय बन चुका है, निश्चित रूप से सक्सेसफुल हो चुका है, ऋषिराज फिर से आ गए। तो जैसे 84% पे आपको इधर डाल दिया, शुरू में क्लासेज आप लेने लगे, आपसे तो बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे क्लास में होंगे, उस टाइम का क्या सीनेरियो रहता था, कैसा रहता था? सर पूरा डिमोटिवेशन होता था बस और सर क्वेश्चन देते क्लास में और वो सब तो कर देते, मैं देखता ये क्या हो रहा है फिर ऐसे थोड़ा गंदा तो लगता था, तो सर से कंसल्ट किया था मैंने, तो सर ने तो ये बोला था टाइम लगेगा जी। और तो बताइए पहले टेस्ट में कौन सी रैंक आई थी, कितने बच्चों से? 28 थी शायद, 100 से ज़्यादा बच्चों में 28वीं रैंक थी, बैचेज भी कई सारे थे और फाइनली आपने अव्वल रैंक हासिल किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इस रास्ते चल के फिर पापा जी मम्मी जी की तरफ चलेंगे। 2 साल की जर्नी, पहले जयपुर सिटी से आप रहे हुए, इधर हॉस्टल में आ गए, हॉस्टल के एडजस्टमेंट की लाइफ, जैसे मम्मी जी ने बताया कि फ़ोन भी 4 दिन से करता है, वो भी 1 मिनट का टाइम फिक्स दे के, कार्ड में से ज़्यादा पैसे नहीं खर्चे और खुद का टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं हो जाए, मिनट पूरा हो रहा है। तो ऋषि राज हॉस्टल के एक्सपीरियंसेस शेयर करें, आपके दोस्त भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं JEE में काफ़ी सारे, तो एक्सपीरियंस शेयर करें। सर हॉस्टल तो सर बहुत ज़रूरी था मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे क्या दोस्त जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ना, वो मेरे हॉस्टल में रहते थे जी। तो सही में बहुत अच्छे थे और दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहा मेरे लाइफ के अंदर। मेरे को लगता है कि शायद दोस्तों की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि दोस्त अच्छे मार्क्स लाता था तो उसकी वजह से हमें भी मोटिवेशन आता। कौन सा सबसे फर्स्ट फ्रेंड कौन है? नीतीश चौधरी। नीतीश है, उसने भी 12th के साथ क्रैक किया, अच्छी सक्सेस ली है। बहुत गंभीरता के साथ आपने पढ़ाई की, इसीलिए आप देख लीजिए कि 84% का बच्चा 1000 रैंक में आता है, 12वीं के साथ आता है और 12वीं में भी 95.60% बनाता है। फिर चलते हैं रिंकू सिंह जी की तरफ। रिंकू सिंह जी, जैसे आप आते ही बता रहे थे कि सालों साल का हमारा प्रिंस से जुड़ाव चल रहा है, आपका सपना बराबर पूरा होता जा रहा है, और अब आपने छोटी बच्ची लक्षिता को PCP में नीट में एडमिशन करवा दिया, वो भी तैयारी में व्यस्त है, अभी सामने बैठी बैठी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। तो आप बताएं कि हॉस्टल के जीवन से ऋषि राज में आपने क्या क्या परिवर्तन देखे? हॉस्टल लाइफ वैसे लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है सर, और ऋषि राज में हॉस्टल में, यदि ये हॉस्टल में नहीं आता तो आज इसकी जो सक्सेस मिली है इसको, मुझे नहीं लगता ये हॉस्टल के बिना शायद कर पाता जी, जी। इसके काफ़ी साथी लोग अदर इंस्टीट्यूट्स में, इसके साथ वाले जो इसके साथ 9th-10th में थे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग जगह बड़े बड़े नामों से जुड़े हुए हैं, बट उन्होंने किसी ने सफलता नहीं प्राप्त किया सर जी, जी। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि उन्होंने इंडिपेंडेंटली, हालांकि उन्होंने बड़ा नाम चूज किया जी, बट उन्होंने वो सफलता प्राप्त नहीं की जो ऋषि राज ने प्राप्त की, और वो हॉस्टल में उसका बहुत बड़ा योगदान है सर। और यहाँ के हॉस्टल की फैसिलिटी के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि फैसिलिटी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। कई लोग तो असंतुष्ट रहते हैं, भाई फ़ोन नहीं है, पाबंदी ज़्यादा रखते हो, बच्चे को बाहर नहीं जाने देते, इस तरह की पाबंदी का क्या फ़ायदा, हम 21वीं सदी के वासी हैं। यहाँ ये है तभी ये सब कुछ पॉसिबल है सर, यहाँ से निकलने के बाद में ये फोन में ही लगे रहते जी, जी, जी। तो ये जो कर रखा है ये बहुत अच्छा किया हुआ है, ये नहीं करेंगे तो मतलब काफी इनका जो एजुकेशन है वो प्रभावित होगा। तो सुमन कुमार जी की तरफ आते हैं,
आप बताओ महिलाओं के लिए क्या संदेश लुगाया पता है, महिलाओं का ही संदेश देना चाहो टाबरा की परवरिश में। आजकल जमाना कंपटीशन तो बहुत टफ होगा और टाबरा सक्सेस कर वो आसान काम कौन रही हो, बहुत मुश्किल काम है। थे महिला ने स्पेशली का ही संदेश देना चाहो इस संबंध में? मैं तो देखो सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि अपने बच्चे को यदि सफलता दिलानी है तो थोड़ा सा डिटैच करना पड़ेगा, डिटैच करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, माँ का मोह है वो कम करना पड़ेगा, इससे प्यार तो कम होगा नहीं सर। जी जी। अब यदि आज ये सफल है तो मुझे जितनी खुशी हो रही है, अब मैं यदि इसको पास रखती, हो सकता है ना हो पाता, जी जी, समय और लगता सर। जी। तो यही है मेन मोटिव। तो देखो बच्चों को सफलता के लिए डिटैच करना बहुत जरूरी है। डिटैच करना मतलब अलग करना, थोड़ा सब लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं, दूर रखना, थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। जी जी। यदि कुछ करवाना है तो ठीक है सर। और दूसरा संदेश क्या देना चाहेंगे? दूसरा संदेश सर ये है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप तो प्रोफेसर की तरह बोलने लगे। बहुत बढ़िया, लेकिन बच्चों की परवरिश आपने अच्छी की है। अब लास्ट क्वेश्चन ऋषिराज की तरफ। ऋषिराज आप पीसीपी के स्टूडेंट 11th 12th के साथ रहे, इस वीडियो को बहुत सारे नीट और जेई के एक्सपीरियंस भी देखेंगे। मैं चाहूँगा जेई के एक्सपीरियंस को 12th के साथ शानदार रैंक लाने के लिए क्या क्या टिप्स देना चाहोगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि अपने टीचर की सुनना है। जो टीचर बोलता है अगर तुम वो लाइन टू लाइन फॉलो कर लेते हो ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब AIR 1 भी फिर कोई बड़ी बात नहीं लगेगी अगर टीचर की लाइन में तुम चलोगे तो। और बाकी तो अच्छे दोस्त, सही में अच्छे दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर दोस्त खराब मिल गए तो फिर तो डूब गए ऐसे मान सकते हो तुम, सही में दोस्त तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरी बात अपना हेल्थ, हेल्थ का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। मैंने फेस किया है हेल्थ का, तो मैं बीच में 2 बार बीमार हो गया था, 10-10 दिन खराब हो गए थे। चमक अभी दिखने लगी आप में, पहले चमक नहीं रहती थी, सिलेक्शन के बाद चमक आ गई है। अभी तो मम्मी ने खिलाया बहुत, आजकल पट्टी वट्टी एकदम ड्रेसिंग लग रहे हो आज तो। जी ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखें। पढ़ाई के जैसे इस वीडियो को कई 11th फाउंडेशन में जो बच्चे आए हैं वो भी देखेंगे, और जेई के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज कहा जाता है वे ऑफ स्टडी। तो वे ऑफ स्टडी बच्चों के को बताएं, सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए? देखो तुमने क्लास में पढ़ा कोई टॉपिक, अब तुम घर आ रहे हो, सबसे पहले तो तुम ऐसा कर सकते हो जो तुमने पढ़ा उसका रिविजन कर लो। ये सबसे पहले मैं तो ये करता था और उन चीज़ों को याद कर लेता था जो मतलब सर ने बोला था इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज है, क्योंकि वो तो तुम्हें एकदम टिप्स पे होने चाहिए। तो मैंने फॉर्मूला तो सारे याद कर लिए थे और उसके बाद तो सिर्फ एक ही काम बचता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस इतना सा ही करना है और लगातार करना है। हाँ पंक्चुअल रहना है, पंक्चुअल रहना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर पंक्चुअल नहीं हो तो फिर नहीं हो सकता, पंक्चुअल रहना तो पड़ेगा ही। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चंस को जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं जेईई एडवांस में, स्पेशली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट्स पे बहुत जोर दिया जाता है, उसके लिए बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जेईई एडवांस अभी तुम अभी अटेम्प्ट अचानक से करने लग जाओगे, हाँ तुम 11वीं में आए हो अभी तुम अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हें क्या पता नहीं होंगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी डेवलप भी नहीं हुआ होता है, फिर धीरे धीरे तुम क्वेश्चन कर रहे हो, आसान कर रहे हो, बहुत सारे कर लोगे ना तो फिर तुम्हें वो जेईई एडवांस वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही लगेंगे जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे मैं पेपर दिया था ना तो मुझे लग नहीं रहा था मैं जेईई एडवांस दे रहा हूँ, मुझे लगा यार आसान पेपर आ रहा है तो जितने हुए थे मैंने तो इतने किए थे। हाँ बस यही है, कॉन्सेप्ट जो बनने वो सिंपल क्वेश्चन से बनेंगे, तुम करते जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस, धीरे धीरे तुम्हारी अप्रोच बन जाएगी और फिर हो जाएगा सब कुछ। बहुत अच्छी बात ऋषिराज ने की कि सीधे हैवी क्वेश्चंस पे अटैक करने की बजाय पहले सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो और बाद में आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी क्रैक कर सकते हैं। तो ये था ऋषिराज सिंह शेखावत जिसने जेईई एडवांस 2023 में ऑल इंडिया ओवरऑल 1091 रैंक हासिल की है, और साथ में परिवार के में मम्मी और पापा हैं जो आज के दिन बेटे की सक्सेस पे बहुत खुश हैं। और साथ में मैं बच्चों को गौर करने लायक बात बताना चाहूँगा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि 10th के परसेंटेज का जेईई एडवांस और नीट दोनों की फाइनल सक्सेस में कोई रोल नहीं है। आपके मार्क्स एवरेज होकर कम होकर भी आप रैंकर बन सकते हैं, जिसका ऋषिराज आज एक जीता जागता बेहतरीन लाजवाब उदाहरण है। 10th के 84% जेईई एडवांस में 1000 में रैंक, और उसके साथ ही 12वीं में 95.60%, हर जगह विन विन की सिचुएशन बनी हुई है। एक बार पुनः पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयां।